शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर, अब प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है बाहर निकलने वाले हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा है और प्रधानमंत्री जो है अब पूजन अर्चन के बाद बाहर निकलेंगे। आप देखिए, जो पुलिस प्रधानमंत्री के आगे जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इंतजाम होता है, जो ब्लैक हैट होते हैं, वो इस समय अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते हुए, और अब जो उनका उनके साथ में सिक्योरिटी के अन्य पर्सनल हैं वो भी अब अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं। पुलिस एक बार फिर से सतर्क हुई है, लगातार ये देखने की कोशिश हो रही है कि कोई भी जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उससे बाहर ना आए। और प्रधानमंत्री इस समय काल भैरव बाबा के मंदिर से बाहर आ चुके हैं, एक बार फिर से लोगों का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। अगर हमारे साथी दिखा सकें, आदित्य जी थोड़ा सा इधर आ जाइए, भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप देखिए, एक बार फिर से लोगों ने हाथ हिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया है। जब वो उतरे थे तो दाहिनी तरफ उतरे थे, और अब अपने दाहिनी तरफ से जब चढ़ेंगे तो दूसरे छोर पे जो लोग मौजूद हैं वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। लोग कैमरों में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं। केवल 1.5 फीट की दूरी से अपने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से देखना वाराणसी के लोगों के लिए न सिर्फ गर्व की बात है, बल्कि ये लम्हा ऐसा है जब उनके इतने करीब से देश का सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति निकलता है, जो दरअसल उनका सांसद भी है, जिसको दरअसल उन्होंने चुना भी है। तो ऐसे में लोकतंत्र का जो उत्सव है और जो भव्यता है काशी की, वो लगातार बढ़ जाती है। और ये सिक्योरिटी पर्सनल इस समय अब लगातार आगे बढ़ते हुए, आप देखिए कि किस तरीके से एक बार फिर से ये जो सुरक्षा व्यवस्था के जवान हैं वो आगे बढ़ गए हैं। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में सवार होते हुए, आप देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया पर, सामने से हट जाइए। ये एजेंसीज हैं, एसपीजी के अधिकारी थे जो लगातार इस नजारे को जब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक लगातार इन नजारों को जहां भी हैं वहां से देख सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय अपनी अपने अपनी गाड़ी में बैठने की जो प्रक्रिया है, जो लोगों का अभिवादन है, उसको उन्होंने यहां पर लिया है। और अभी हमसे कहा गया है कि कैमरा बंद कर दिया जाए, तो हम ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे लेकिन लाइव इसको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने देखा पूजा, दरअसल जब बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंचे प्रधानमंत्री तो हाथ उनके जुड़े हुए थे, और जब बाबा काल भैरव के मंदिर से बाहर निकले और जनता जनार्दन के सामने पहुंचे, लोगों के बीच उनकी मौजूदगी रही, तो लोगों का भी उन्होंने दोनों हाथ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये उनकी गाड़ी अब आगे आती हुई, जो एसपीजी के जवान हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री की गाड़ी बिल्कुल सामने हमारे आ चुकी है। ये तस्वीरें न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही प्रसन्न, उन्होंने जो टीका लगाया है, जो चेहरा है उनका दमकता हुआ, खिलता हुआ। प्रधानमंत्री अब यहाँ से सीधे जाएंगे खगड़िया घाट, खिड़किया घाट, और उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ से जलयान के जरिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और अब आप देखिए, जैसे जैसे ये रास्ता खुल रहा है, जैसे जैसे प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे बढ़ रही है, वो भी जो लोगों का उत्साह है, जो लोगों की बातें हैं, वो भी अब सामने आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से ही लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये नज़ारा अपने आप में अद्भुत है। एक जनप्रिय नेता क्या होता है, प्रधानमंत्री किस तरीके से लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हैं। आप देखिए दाहिने और बाएं, आप देखिए यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है, लोगों का जो कौतूहल है, वो अपनी तरह से लगातार आनंदित कर रहा है। ये आनंद आपको सिर्फ वाराणसी में मिल सकता है। बड़ी संख्या में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, और हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी रुक गई है, अभिवादन स्वीकार करेंगे वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनका अभिवादन किया, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए यहाँ पर उनका काफिला रुका है, गाड़ी रुकी है, और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर उनका स्वागत किया जाना है। और इस स्वागत को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुक